हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.0 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या, हमारे पास बुक में दिया हुआ है कि आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, उसमें से जो भी मिसिंग टर्म्स हैं आपको वो निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देख सकते हैं जो मैंने इसकी सबसे पहले वीडियो में बताई हुई थी। इसमें इस एक्सरसाइज में के फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर मेरे पास लास्ट टर्म या मेरे पास एक अननोन टर्म, और ए क्या मेरे पास फर्स्ट टर्म, एन क्या मेरे पास नंबर ऑफ टर्म माइनस वन, और डी क्या मेरे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपने सक्सेस में सिर्फ एक ए फॉर्मूला यूज़ करना। ओके, अब मुझे ये क्वेश्चन फाइंड करना। पहला क्वेश्चन, पहले में क्या है मेरे पास कि जो मेरे पास मिसिंग्स वैल्यू है ना उनको मेरे को फाइंड करना है कि वो मेरे पास वैल्यू कैसे आएंगी। अब पहले देखेंगे फर्स्ट में क्या है हमारे पास, ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड पार्ट, ये है फोर्थ पार्ट, ये है फिफ्थ पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में देखना, आपके पास क्या है, ए है, डी है कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स है, और आपने क्या निकालना है, ए एन। ठीक है, तो आपको जनरली अगर आप फर्स्ट ही पार्ट कर रहे हो इसका तो फर्स्ट पार्ट में कैसे करना है सॉल्व, अब बस वही आप लिखोगे सिंपल, ए है आपके पास सेवन, डी है आपके पास, इसको कैंसिल कर दो, डी है आपके पास थ्री एंड एन है आपके पास एट। ये सारी वैल्यूज आपको क्या फाइंड करना है, ए एन, और ए एन का आपको फॉर्मूला पता होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया, ए ए एन पता है नहीं, उसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। ए पता है सेवन, एन कितना है एट, एट माइनस वन सेवन, इन टू में डी कितना था थ्री, तो सेवन प्लस सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन। अब ये आ जाएगा आपके पास 28, ए एन की वैल्यू आ गई आपके पास 28। ठीक है, और आपने ये फाइंड करनी थी, यही आपका आंसर है। अब के एन की वैल्यू आ गई, तो सिमिलरली अब आप करेंगे इसी गई सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी क्या, हमारे पास ए है हमारे पास 18 और एन है हमारे पास 10 एंड ए एन है मेरे पास 0, और मुझे क्या फिर मुझे फाइंड करना, उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब वही फॉर्मूला तो मेरा वही चलेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल 0, और ए की वैल्यू पता है, बिल्कुल 10, और एन माइनस वन, हाँ 10 माइनस वन कितना आएगा 9, और डी की वैल्यू पता है, डी की तो फाइंड करनी है। अब 18 उधर जाएगा तो किसको आएगा, माइनस का, ओके, और 90। ठीक है, अब बस सिमिलरली दिस इम्प्लाइज करके इसको डी की वैल्यू आप लिख सकते हो, माइनस 18 अपॉन 9, क्या आएगी यहाँ से डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई माइनस के 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले लिखोगे माइनस के 2, और पिछले पार्ट में ए एन के फर्स्ट पार्ट में आई थी 28। अब हमने क्या पुट करना है, थर्ड पार्ट सोल्व करना है, उसमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंस दिया हुआ है माइनस के 3, एन दिया हुआ मेरे पास 18 और लास्ट टर्म दिया हुआ मेरे पास माइनस के 5। ठीक है, तो जो मेरे पास जो जो वैल्यूज है मैं पहले उनको लिख लूँगा। अब मेरे पास एक तरह से पहले ए ही फाइंड करना है, तो मैं उसको लिख लूँगा, डी है मेरे पास माइनस के 3, सिमिलरली एन है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 18 एंड ए है ना मेरे पास माइनस के 5। ठीक है, अब वही इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, अब ए एन कितना मेरे पास माइनस 5, ए कितना मेरे पास वही मुझे फाइंड करना, तो मैं उसको एज इट इज रखूंगा, और एन कितना है 18 माइनस वन कितना आ जाएगा 17, डी कितना मेरे पास माइनस के 3। ओके, ये था माइनस 5, ए 17 थ्री जा कितने होते हैं 51, माइनस के 51 प्लस माइनस माइनस, तो इसको ऐसे लिख दूंगा मैं माइनस के 51 माइनस के 5। अभी उधर जाएगा क्या आएगा, माइनस के 5 प्लस के 51 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी आएगी, 51 माइनस 5 यहाँ पर आएगा 46 इज इक्वल टू ए। अब मेरे पास ए की वैल्यू आई है 46, और मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा 46, मुझे टेबल की मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। अब मैं करूँगा इसी का ही फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है मेरे पास, ए गिवन है मेरे पास, ए है मेरे पास 18.9, सिमिलरली डी है मेरे पास 2.5, इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, और ए एन भी मेरे पास गिवन है 3.6। अब देखना इसमें पॉइंट्स में पॉइंट्स में पॉइंट्स में, तो उसकी कैलकुलेशन वही सेम फॉर्मूला जो हम स्टार्टिंग से लिख रहे हैं, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। और इसको ध्यान से भी देखना, जो ये एन है उसी में से एक लेस आएगा,
अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए एन इज इक्वल टू, ए कितना था मेरे पास, क्योंकि मुझे ए एन की वैल्यू तो मैं पुट कर सकता हूँ या बाद में पुट कर सकता हूँ या भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो ए कितना मेरे पास 18.9, एन मुझे अभी पता नहीं है, और डी कितना मेरे पास 2.5। अब मैं पुट कर सकता हूँ एन की वैल्यू 3.6, 18.9 प्लस यहाँ पर 0.5 था एन माइनस वन 2.5। अब इसको इधर ले जाओ 18.9, क्योंकि मुझे एन की वैल्यू, तो धीरे धीरे करके मैं सारे टर्म्स को एक साइड में ले जाऊंगा। 3.6 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। अब मैं इसमें से 3.6 में से मैं 18.9 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या, मेरे पास ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 8.9, ए माइनस के 18.9। अभी उधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का, तो कितना बन गया 22.9865 और 122.5 एन माइनस वन 2.5। ओके, अब मैं 2.5 को इसके नीचे ले जा सकता हूँ क्योंकि मुझे एन की वैल्यू चाहिए। 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, 0.5 था तो ये आपका अप्रोक्स 9 पे काट देगा, ठीक है, पूरा पूरा एग्जैक्टली। तो आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो यहाँ से मुझे एन की वैल्यू है तो वन को भी उधर ले जाना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू वन, उधर जाके इसका जाएगा प्लस का, एन की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। अब आप बता सकते हैं एन क्या थी आपके पास, एन आपके पास थी नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपका फर्स्ट पार्ट भी, मिसिंग वैल्यूज जो टेबल में फाइंड करनी थी, वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसके वैल्यू पुट कर सकते हो, ए आई थी आपके पास इस क्वेश्चन में 46, ए आपके पास 10। अब आपको करना है सीखा ही फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या, ए है आपके पास 3.5, डिफरेंस है 0, एन है आपके पास 105 और ए एन आपको फाइंड करना है। अगर आप जनरल इस क्वेश्चन को देखना, इसका मैं करा के नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए है फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है, डिफरेंस कितना उनका, 0, मतलब है ही नहीं, डिफरेंस तो 0 है, और आपको कौन सी टर्म तक जाना है, 105। अब वही बात है, 3.5 अगले टर्म भी क्या है, अगर डिफरेंस 0 है, 3.5 3.5 3.5 3.5। अब अगर आप 100 टर्म तक भी जाओगे तब भी आपका 3.5 आएगा, अगर आप 105 तक भी जाओगे तब भी आपका 3.5 आएगा। आप कोई सी भी वैल्यू, चाहे आप 200 400 कहीं तक भी जा सकते हो, आपका क्या आएगा, यही 3.5, क्योंकि डिफरेंस ही आपका 0 है। तो आपकी जो ये वैल्यू आई है ना लास्ट टर्म, मतलब 100 जो 5 टर्म है उसकी वैल्यू आई है, वो भी 3.5 ही आई है। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें टेबल में मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो कंप्लीट हो चुका। ओके, अब हम करेंगे 5.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास दो पार्ट हैं और इसमें एमसीक्यू है, इस तरह से एक तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया है, उसके चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। सेम सेकंड पार्ट में भी ये ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हैं और आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। तो उसको करेंगे कैसे, करना तो वैसे आपको एक तरह से टिक ही है, बट टिक भी आप तब तक करोगे जब आपको ये निकालना भी आएगा कि इसकी 30th टर्म है क्या, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हमने 30th टर्म बतानी है ए पी सीरीज की, जो हमारे पास ये दे रखी है, उसकी 30th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये आएगी आएगी आएगी, कोई सी भी आ सकती है उनमें से। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरली अगर आप देखो तो हमें इसी का, अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन आए, तो हमें जनरली ये सीरीज है 10 7 4 डैश डैश डैश, और मुझे क्या फाइंड करना, 30th टर्म, मतलब कि जो मेरे पास टर्म्स है एन की वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है, समझ लो, एन की गिवन है, और भी कुछ गिवन है मेरे पास, हाँ बिल्कुल। फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास, ए को मान सकता हूँ मैं 10, और डी कितना मेरे पास अगर मैं देखना चाहूँ, 7 माइनस 10 कितना होएगा, अगर यहाँ से भी लिखना चाहूँ मैं 7 माइनस 10 इक्वल टू 4 माइनस 7, क्योंकि यहीं से मुझे डिफरेंस पता लगेगा ना, 7 माइनस 10 कितना होता है, माइनस के 3, 4 माइनस 7 माइनस के 3, तो मेरे पास यहाँ से डिफरेंस आ गया माइनस के 3। डिफरेंस आया ए है और एन की वैल्यू है, मुझे क्या फाइंड करना है, एक तरह से 30th टर्म अगर मैं बताना चाहूँ तो, मतलब कहूँ मैं ए 30th टर्म फाइंड करनी है मुझे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ए एन, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 30, सिर्फ एन की वैल्यू यहाँ नीचे रखनी, ऊपर नहीं रखनी। ए कितना है मेरे पास 10, एन माइनस वन कितना है, एन कितना था 30, 30 माइनस वन 29, और डी कितना है मेरे पास माइनस के 3। ओके, अब यहाँ पर आया 10 और प्लस माइनस माइनस के, और यहाँ पर मेरे पास आएगा 87, 29 इंटू 3 87, ठीक है, और 10 माइनस के 87 कितना आएगा, माइनस के ही 77, ठीक है।
ये किसकी वैल्यू आई है, ए 30th टर्म की। अगर आप देखना चाहो उसकी वैल्यू मेरे पास आई है माइनस के 77। ओके, अब हम करेंगे इसी का ही सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है आईपी की, उसकी वैल्यू 11th टर्म की। मान ली ये फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, फिर जो 11th वैल्यू टर्म आएगी उसकी क्या वैल्यू है वो बतानी है इन चारों में से। तो ये तो आई -77 फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ, हमें 11th टर्म फाइंड करनी है इस एपी सीरीज की और इन चारों में से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम पहले तो सीरीज को लिख लेंगे -3 -1/2 एंड 2। ठीक है, टू भी कंटिन्यूड आ गया और मेरे पास एन की वैल्यू भी दी है। एन क्या है मेरे पास, 11, नंबर ऑफ टर्म का हुआ ना 11 फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया एन की 11 है, ए की कितनी होगी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास -k3। अब मुझे डिफरेंस भी फाइंड करना है। डिफरेंस कैसे आता है, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके और थर्ड में से सेकेंड टर्म, तो -1/2 इसमें से माइनस करेंगे -k3 इक्वल टू में और थर्ड माइनस सेकेंड 2 -1/2। ओके, अब मैं इनको सोल्व करूँगा तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 माइनस माइनस प्लस 2। एलसीएम लूँगा मैं इनका, इसका एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर 1 था तो 2, 2 से मल्टीप्लाई होएगा 6, और सिमिलरली यहाँ पर 2 2 4 प्लस 1, इसका आएगा 6 -1 5/2, 4 + 1 5/2। ठीक है, क्या दोनों इक्वल आए हैं, हाँ, तो ये क्या वैल्यू हुई डी की मेरे पास, 5/2। ठीक है, इससे पता लग गया ए आ गया मेरे पास, डी आ गया, एन आ गया। मुझे फाइंड करना कि उसकी 11 टर्म की वैल्यू, तो वही ए एन का फॉर्मूला लिखूंगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू मुझे वही फाइंड करनी है और एन कितना मेरे पास, 11, तो एन की जगह मैं सिर्फ 11 लिख सकता हूँ। ए कितना था मेरे पास, -k3 -3 प्लस माइनस, एन कितना था मेरे पास, 11 - 1 10, डी कितना था, 5/2। ठीक है, अब कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 2 5, अब 5 5 25, -k3 +k 25, 25 - 3 कितना आएगा, 22। अब ये मेरे पास उसकी वैल्यू आई है, तो क्या देखना इसमें 22 वैल्यू है, 28 है, 22 हाँ है, तो मेरा ये आंसर है। अब ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क है। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वो। उसमें भी वही एक सेकंड दिया हुआ है, बीच की मिसिंग टर्म है और एक 26 वैल्यू है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास एक तरह से लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है ना, तो ये ए एन मानोगे आप और ये ए मानोगे, और इनका पहले तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकाल के आपकी ये टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खुद ही सोल्व करना है। ओके, अगर आपके फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।